So hey everyone, once again welcome back to our channel My Tutor 247. Mera naam hai Yashraj, first prof MBBS student from ABB GMC Vidisha. So guys, aaj ki jo video hai wo basically hone wali Ayush ki counseling ke upar. Means jo students Ayurveda perform karna chahte hain ya Ayush ki counseling mein participate karna chahte hain, unke liye kya updates hai MP ki counseling mein aur all over India ki counseling par bhi thodi si hum log nazar yahan par dalne wale hain. तो भाई ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो आयुष काउंसलिंग के हैं और या फिर जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स आगे चल के इस आयुर्वेदा फील्ड में या आयुष काउंसलिंग के थ्रू अपना स्कोप या अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, भाई उन्हें हमारी पूरी टीम की ओर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ. क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी और ऐसा उस न्यूज़ में था कि आयुर्वेदा जो डॉक्टर्स होंगे अब से सर्जरी एंड ऑल परफॉर्म कर पाएंगे. तो भाई क्या परेशानी है, अगर हमें MBBS नहीं मिल पाया, कम मार्क्स पर भी हमें आयुर्वेदा मिल पा रहा है, तो मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करूँगा कि मैं ड्रॉप लूँ. तो भाई अगर आप लोग फुल सेटिस्फाइड हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, अब यहाँ भी अच्छा खासा स्कोप है. ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्या अपडेट्स एक बार नज़र मारते हैं. आपकी स्क्रीन पर एक पेज आपको यहाँ दिख रहा होगा, उस पेज में भाई सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के बारे में कुछ डेट्स और कुछ अपडेट्स के बारे में बताया गया है. जैसा कि यहाँ बताया गया फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ डेट देखिए 5th to 14th of December और अगर बात करें सेंट्रल की तो भाई 26th to 4th of December जो कि निकल चुकी है. डोंट वरी, सेकंड राउंड भी आएगा अभी सेंट्रल का. अब मेरा मानना ये है आप लास्ट के कट ऑफ से प्रॉपर चीज़ें को अप्रोक्सीमेशन लगाइए, प्रॉपर अनुमान लगाइए. और अगर आपको स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अगर आपने स्टेट में प्रेफर करना चाहते हो तो डेफिनेटली अपने स्टेट में कॉलेज लीजिए. अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं थोड़े से और आप चाहते हो कि बेस्ट कॉलेज मिले आयुर्वेदा का आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, अगर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है ये आपके नीड्स, तो आप सेंट्रल काउंसलिंग में लीजिए. स्टेट का बस ये है कि आपको कहीं ना कहीं 85% कोटा जो मिल जाता है तो अच्छा कॉलेज आपको थोड़े से कम मार्क्स से मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. डेट्स वाई स्टेट काउंसलिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है. डजेंट मैटर, किसी भी काउंसलिंग का आप पार्ट लीजिए. अब लेटेस्ट अपडेट MP की काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या है वो आप लोग देखिएगा. भाई एक पेज यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा गाइस, MP की काउंसलिंग के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट यहाँ दे रखा है पंजीयन. पंजीयन मीन्स रजिस्ट्रेशन, और यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात कही है 10 तारीख से, 10th of December से लेकर 26th of December तक रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं MP के अंदर आयुष की काउंसलिंग के. आप लोग ayush.mp ऑनलाइन पर जाके ये चीजें सर्च कर सकते हैं और यहाँ से बकायदा आपको प्रूफ PDF मिल जाएगी, प्लस वो साइट ओपन हो चुकी है, वहां जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए. अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी है कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, हमें नहीं आता, या चॉइस फिलिंग कैसे करें, कौन से कॉलेजेस को पहले भरें, व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी, ऐसी कोई भी समस्याएं हैं आप लोगों के मन में, तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको जवाब देंगे और काउंसलिंग में आपकी हेल्प करेंगे. तो भाई रीसेंट अपडेट तो यही थी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आयुष की काउंसलिंग MP के अंदर, और सेंट्रल काउंसलिंग में भी सेकंड काउंसलिंग जो है आयुष की वो स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द. तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद चॉइस फिलिंग कीजिए, उन्हें लॉक कर दीजिए, देन वेट फॉर रिजल्ट. एंड वी विश कि आपको कॉलेज अलॉट हो और जो आप कॉलेज चाहते हो, मन चाहा कॉलेज आपको अलॉट हो. वी विश बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस. थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर.